तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम पूरी पागल हो। और ये जाने के बाद भी तुमने हिम्मत की मेरे प्लान को बर्बाद करने की। अमनीत, मैंने तुम्हारे फोन पे कॉल किया था, अब मुझे क्या पता था कि जोगी उठाएगा। एग्जैक्टली क्या मैंने सामने से हेलो कहा? क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दी? नहीं सुनाई थी, लेकिन तोते की तरह तुम पट 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 सब बोलते चले गए। वो तो शुक्र है कि मैंने वक्त पर वहां आकर फोन काट दिया, वरना आई नो एंड आई एम सॉरी। अवनीत, मैं मानता हूं कि गलती मुझसे हुई, पर मेरी गलती की वजह से तुम्हारा ही फायदा हुआ है, राइट? वो 50 लाख की बात सामने आते ही गेम पूरी तरह से तुम्हारी तरफ पलटा। वो इसलिए क्योंकि मैं वहां वक्त पर आई। मैंने वक्त पे फोन बंद किया और जोगी ने उतना सुना जितना उसे सुनना चाहिए था। एक बात याद रखो अर्जुन, तुम्हारे लिए यह बिजनेस है, लेकिन मेरे लिए यह बिजनेस नहीं, मेरी जिंदगी है। आज के बाद फिर से गलती से भी ऐसी गलती अगर तुमसे हुई तो गाड़ी की डिक्की में नहीं, टायर के नीचे मिलोगे। याद रखना। अर्जुन, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इस पागल लड़की को इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हो? She's insane. वो कुछ भी कर सकती है। चंदा, ये लड़की पागल नहीं है, कैंसर है। कैंसर जो कोई नहीं कर सका ना, वो कर सकती है। देखना, ये जोगी और माही के रिश्ते को तोड़कर ही दम लेगी। लिखा कुछ तूने जोगी? हाँ, लिखा तो है। चल सुनाता हूं तुझे। तेरी मेरी मोहब्बत की है छोटी सी कहानी। मैं एक रात का तेरा दीवाना और तू मेरी एक रात की दीवानी। ये क्या लिखा है तूने? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया जोगी? ओ नाना, तुझे समझ नहीं आएगा, आइटम सॉन्ग ना ऐसे लिखे जाते हैं। जोगी, तेरे मुंह से ना ऐसे शब्द भी नहीं अच्छे लग रहे, तू गाना क्या गाएगा? देख जोगी, ये आइटम सॉन्ग ना तेरे मतलब की चीज नहीं है। पर अभी पूरा बना ही नहीं है, पहले बन तो लेने दे। अभी राइमिंग बाकी है, उसके बाद सुनेगी तो अच्छा लगेगा तुझे। क्योंकि ये सब ना हर कोई कर सकता है। हाँ वही तो, मैं नहीं कर सकता ना। तो तुझे करना ही क्यों है? जोगी देख, तू ना भटक रहा है। देख, ये आइटम सॉन्ग और ये सब कुछ ना मुझे सही नहीं लग रहा है जोगी। तू मेरा हौसला बढ़ाने आई है या तोड़ने आई है? तेरी प्रॉब्लम है क्या माही? मैं ना कब से देख रहा हूं, अवनीत के कहने पे अगर मैं कुछ भी करता हूं ना, वो तुझे गलती लगता है। और तेरे कहने पे अगर मैं वही चीज करता हूं तो तुझे सही लगता है। दिक्कत है क्या? मैं ऐसा गाना लिख रहा हूं गा रहा हूं ये दिक्कत है, या फिर मैं अवनीत के कहने पे ऐसा गाना लिख रहा हूं गा रहा हूं ये दिक्कत है? मुझे अवनीत से ना कोई लेना देना नहीं। क्योंकि मैं अवनीत के बारे में जो कुछ बोलूँ ना, वो सब कुछ सच है, सब कुछ सही है। और जिस दिन तुझे इस बात का एहसास हो जाएगा ना, मेरे पास रोते रोते मत आना तू।
कमरे में खटखटा के आने की जरूरत कब से पड़ने लगी जोगी? ओ बिल्कुल, मुझे तो कोई जरूरत है ही नहीं। यार कुरमरी, मैं गाना लिख रहा था ना, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखूं। तू मदद कर दे यार मेरी। चूंकि नहीं लिखा जा रहा है तो छोड़ दो, शायद ये तुम्हारे बस का नहीं। ओ, तो तूने सब सुन लिया? I'm sorry, लेकिन अगर कमरे में बैठी होती तो भी सुन ही लेती, वो इतनी जोर से बात कर रही थी। कुरमरी, चोगी, मैंने तुम्हें वो गाना लिखने के लिए इसलिए कहा ताकि इंडस्ट्री में अपना पहला कदम जमाने में तुम्हें मदद मिल सके। अगर तुम्हें ये नहीं करना तो इट्स ओके, कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम छोड़ दो। तुम्हारी बीवी को अगर मुझसे इतनी प्रॉब्लम है, हमारी दोस्ती से इतनी प्रॉब्लम है, तो तोड़ दो ये दोस्ती, छोड़ दो मुझे। माही की बात का इतना बुरा लग गया तुझे? हाँ बुरा लगा जोगी, बहुत बुरा लगा। माही को तो ऐसा लगता है जैसे मेरे सीने में दिल ही नहीं है, क्या मैं इतनी बुरी हूँ जोगी? मुझ में भी इमोशंस हैं, मुझे बुरा लगता है, तकलीफ होती है, बहुत बुरा लगता है। लेकिन तब नहीं जब माही मुझे उल्टा सीधा बोलती है, बल्कि तब जब वो तुम्हें खरी कोटी सुनाती है, तुम्हें उल्टा सीधा बोलती है। ओ नहीं नहीं यार, ओ ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों मियां बीवी हैं और मियां बीवी के बीच में तो खटपट चलती रहती है ना यार। चूंकि मैं मियां बीवी, शादी, सब के बारे में शायद सच में ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन प्यार के बारे में मैं बहुत कुछ जानती हूं। और जब हम सच्चा प्यार किसी से करते हैं ना, तो खैर छोड़ो। रुक क्यों गई? बोलना, क्या बोल रही है? तुम्हारे और तुम्हारे बीवी के बीच का मामला है, मेरा इसमें बोलने का कोई हक नहीं। पर मुझ पे तो हक बनता है ना। तुम पे मेरा हक है? हाँ बिल्कुल, पूरा पूरा हक है। तो जोगी, मैं जो देख सकती हूँ वो माही क्यों नहीं देख सकती? क्यों वो ये सब नहीं देख पा रही? मुझे मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि बहुत जल्द तुम्हारा करियर सातवें आसमान पे जाने वाला है, तुम बहुत कामयाब होगे, तुम्हें सब हासिल होगा, लेकिन माही ये क्यों नहीं देख पा रही जोगी? उसे क्यों नजर नहीं आ रहा ये सब? तुम्हारा साथ देने के बजाय हर बार तुम्हें नीचा क्यों दिखाती है वो? ओ नहीं, तुम माही को जानती नहीं है, माही ऐसी नहीं है। और ये सब कुछ जो तुझे लग रहा है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ही है जोगी, बिल्कुल ऐसा ही है। तुम देख नहीं पा रहे या फिर शायद तुम देखना ही नहीं चाहते। हर बार माही सबके सामने तुम्हें बेइज्जत करती है, नीचा दिखाती है, कभी कहती है तुम भोले हो, कभी कहती है बुद्धू हो, कभी कहती है बैल बुद्धि हो, ना जाने क्या क्या कहती है तुम्हारे बारे में। क्यों वो तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, तुम पे भरोसा नहीं कर सकती जोगी? क्योंकि वो तो तुम्हें कोशिश तक नहीं करने देना चाहती। हम जब किसी से शादी करते हैं ना जोगी, तो वो हमारा जीवन साथी होता है, और जीवन साथी वो होता है जो पूरी जिंदगी हमारा साथ निभाए, सुख हो दुख हो, उतार हो चढ़ाव, वो हमेशा हमारे साथ रहे। जीवन साथी हमारे सपने पूरे करने में हमारा साथ देता है,
कदम डगमगाए ना तो वो हमें संभालता है, हमारे लिए ना दुनिया से लड़ता है, हमसे नहीं लड़ता। अवनी तो खामा खाई ये सब कुछ सोच के इतना परेशान हो रही है, ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा कैसे परेशान ना हो जोगी, मैं अच्छी तरह जानती हूं तुम प्यार में खुद को फना करने वालों में से हो। तुम्हारे लिए ये सब आसान नहीं है मुझे नजर आ रहा है, लेकिन माही को क्यों नजर नहीं आ रहा? तुम्हारे इस मुश्किल समय में तुम्हारा साथ देने के बजाय वो हमेशा तुम्हें नीचा दिखा रही है, तुम पे भरोसा नहीं कर पा रही, तुम्हारा साथ नहीं दे पा रही। जोगी क्यों कर रही है वो ये सब? क्यों वो तुम्हें कामयाब होते हुए नहीं देख पा रही? क्यों तुम्हारा साथ नहीं दे पा रही, तुम पे भरोसा नहीं कर पा रही? जोगी तू समझ क्यों नहीं रहा है, मैं जो कुछ कह रही हूँ जो कुछ कर रही हूँ सब कुछ तेरे भले के लिए कर रही हूँ। चोकी? नहीं रेनू, और तू ये सब्जी बना रही है कि जला रही है? क्या हुआ, तेरी शक्ल पे 12 क्यों बजे हुए? तुझे तो खुश होना चाहिए ना, तेरी सास ने उस चुड़ैल के घाल पे क्या मस्त थप्पड़ मारा, मेरे तो दिल में ठंड पै गई माही। हाँ थी, पर थप्पड़ पड़ने के बाद आपने अपनीत की आंखें नहीं देखी थी, कैसे कैसे गुस्से से भरी हुई थी। मुझे तो ना डर लग रहा है जो उसने मम्मी के साथ किया, कहीं वो पेपे के साथ ना करते। हाँ उस पगलेट का कोई भरोसा तो है नहीं वैसे, पर एक बात अच्छी होगी कि तेरी सास अब तेरे साइड है। नहीं? हाँ पेपे तो है, पर जोगी, जोगी ने तो अपने काम का हर फैसला लेने का हक ना उस अवनीत को दिया है, और उस फैसले में ना तो मैं बोल सकती हूँ कुछ और ना ही पेपे। आपको पता है दी, जोगी इतना भोला है ना कि वो ये सब कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। तो इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है, वो तो वैसे भी बेवकूफ है, बैल बुद्धि है। जिसने नकेल डाली उसके पीछे 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 चल देता है। तो बस तू एक बार प्यार से उसे जोगी भुला देना, और वो तेरे कदमों में गिर जाएगा तेरा गुलाम बनके। ती आज ये बात बोलती है दोबारा कभी मत बोलना, जोगी मेरा गुलाम नहीं है, लाखों में एक है मेरा जोगी। पता है मैं ना किस्मत वाली हूँ जो मुझे जोगी जैसा जीवन साथी मिला, अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है मुझसे, इसीलिए शायद मेरी हर बात मानता है वो। जोगी जैसा ना इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। वाह ये बोली जोगी की जोगन। फिलहाल ना ये जोगी की वकालत करना मेरे सामने बंद कर, और ये सोच कि जोगी के सर से उस चुड़ैल का भूत कैसे निकालना है, वरना तुम दोनों की ये जो लव स्टोरी है ना कोई भूला बिसरा इश्क का फसाना बन के रह जाएगी। माही जोगी पुत्र क्यों तू इतना परेशान हो रहे हैं, तुझे क्या जरूरत है ऐसे काम के लिए इतनी मेहनत करने की, छोड़ परा हमें नहीं चाहिए काम। क्यों बेबे, क्या मैं इतना नलायक लगता हूं आपको कि खुद को साबित करने का मुझे एक मौका तक नहीं मिलना चाहिए? जोगी पुत्र तेरी आंखें क्यों भरी हुई हैं, की होया? बोलो बेबे, कम से कम मेरे मुंह पे बोल दो आप भी कि आपको मुझ पे रत्ती भर भरोसा नहीं है। आपको नहीं लगता कि मैं जिंदगी में कुछ बन सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ? ना पुत्र तू कैसी बातें कर रहा है, माँ मैं तेरी,
पुत्र तेरी कामयाबी के लिए, तेरी अच्छी जिंदगी के लिए तो मैं रोज माता रानी से दुआएं करती हूँ। अगर इतना ही प्यार करते हो ना बेबे, तो थोड़ा भरोसा भी कर लेते। मुझे यकीन है कि मैं यही कर सकता हूं, और ये ना मैं अब करके दिखाऊंगा। आपको पता है हमारे रिश्तेदार हमसे बोलना चालना उन्होंने बंद कर दिया था, मिलना जुलना बंद कर दिया था, हमें अपने घर तक बुलाना बंद कर दिया था। हम गलती से उनके घर पहुंच जाते थे ना, तो उनके मुंह सड़ जाते थे, क्योंकि हमसे बदबू आती थी गोबर की। और दीदी, दीदी के ससुराल वालों ने उनका हमसे मिलना बंद कर दिया। अगर हम मिलने की कोशिश भी करें तो उन्हें उन्हें लगता था कि उनकी इज्जत कम हो रही है। हम ठहरे तबेले वाले, लेकिन आज देखो बेबे, आज वही रिश्तेदार 10 बार में फोन घुमाते हैं हमारा हालचाल पूछने के लिए। हमें न्योते देते हैं कि हम उनके घर आए। और ये ना मेरे प्यारे जीजा जी का मैसेज आया, देखो आप। उन्होंने लिखा है कि वो दीदी को लेके ना जल्दी आ रहे हैं हमारे घर हमसे मिलने। कैसे सब बदल गए हैं ना। और ये जिस घर में हम आज शान से बैठे हैं, पप्पू परजाई का घर, वो पप्पू परजाई जो हमारे तबेले को, हमारे घर को अपनी इज्जत पे ना एक तब्बा समझता था, दिन रात कोशिश करता था कि हमारा तबेला टूट जाए किसी तरह से, आज उसकी इस हवेली में, कोठी में हम बैठे हैं। इतनी इज्जत, इतना प्यार, हमें सड़क से उठा के आसमान तक पहुंचा दिया। किसने? अवनीत ने। और उसी अवनीत पे कल आपने हाथ उठा दिया। बेबे मुझे ना सब लोग नकारा, निकम्मा, निठल्ला समझते आए हैं, सबने बैल बुद्धि कहा है मुझे। कोई 500 रुपया तक नहीं लगा सकता आपके इस लाडले पुत्र पर, पर उस अवनीत ने एक ही चटके में 50 लाख लगा दिया मेरे ऊपर। कैसे तोड़ दूं उसका विश्वास। आज चपेट आपने उसको मारी है, दर्द उसको हुआ होगा, पर उस दर्द का एहसास ना मुझे भी हुआ है। मैं मानता हूं कि आप माही मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते होगे, पर इज्जत करते हो आप मेरी, पर भरोसा है आप लोगों को मुझ पे। जानते हो जोगी, जितनी मेहनत खामोशी से की जाती है, कामयाबी उतना ही शोर मचाती है। मैंने भी तुम्हें पाने के लिए बहुत मेहनत की है, जी तोड़ कोशिशें की हैं ताकि मेरा ये सच्चा प्यार मुकम्मल हो सके। और आज जो मैंने दांव चला है ना, उसके बाद मुझे पूरा यकीन है कि मेरा ये प्यार बहुत बहुत जल्द मुकम्मल होगा।